खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां अक़वामे मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में आने वाले बदतरीन सैलाब के बाइस शदीद नुकसान हुआ, इसके बहाली के लिए 30 अरब डॉलर चाहिए होंगे। कोप 27 में पाकिस्तान में सैलाब का मसला उठाएंगे। इन ख्याल का इजहार उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के हमराह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमदादी रकम ही नहीं, पाकिस्तान को कर्जा अदायगी में मामनत की भी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के फ्रंट लाइन पर है। यही यकजहती नहीं बल्कि इंसाफ का मामला है, और पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली में बहुत कम इजाफा करता है, जबकि इन मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। आलमी बरदरी और ख़ासकर ऐसे ममालिक जो माहौलियाती आलूगी की वजह से मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की इमदाद करें।